फोटो पहले ना गई वो नहीं तब तो चला कमल निशानिया चला हो सखी वोट डारे ग्रेट ओरिजिनल तो मैं ट्रेन डॉक्टर तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत बच्चे ट्रेन हो गली को खुशी को और उस राख से बने बारूद को योगी और मैं चाहूंगा कैमरा दिखाए कि जहाज भी लैंड हो रहा है कितना इसको कहते हैं सुंदर विकास क्या पानी के क्रूज पर हैं आप गोवा में नहीं हैं हाँ ये मुंबई की फ्लाइट आई है अभी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज मैं तो नेता नहीं आई एम नॉट एन और मैं नेता शायद कभी बन नहीं पाऊंगा मैं सेवक हूँ बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड देखिए ये हमारे क्रूज का पनीर है अच्छा। और आपको और पूरा शहर और बिहार से भी लोग आते हैं चिली पनीर और, हाँ और आपको ये स्पाइसी है सुबह की गारंटी मैं नहीं देता हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आप महिलाओं में इतनी ताकत आई है ना ऐसे रहना कल का वोट दे के आई हो किसको जाति समीकरण ध्वस्त है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव चीयर्स अलाउड है कि चीयर्स अलाउड नहीं है चाहिए कि चीयर्स आप भी परेशान हो रहे सब कुछ अलाउड है कि हमारा वोट न कट जाए नहीं नहीं हेलो एंड वेलकम हम लोग इस वक्त अभी गोरखपुर की रामगढ़ झील में हैं और हमारे साथ हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार या फिर कहा जाए कि ओटीटी में तमाम जो सीरियल आ रहे हैं उसके सुपरस्टार रवि किशन जी जो कि यहां के स्थानीय सांसद हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आज तक इंडिया टुडे जीएनटी सभी जितने भी दर्शक हैं सबका इस तपोभूमि गोरखनाथ पे और आपका आपकी टीम का स्वागत है आजकल हम देख रहे हैं कि जो ओटीटी में आपके एक के बाद एक सीरियल आ रहे हैं वो तो सुपर हिट हो रहे हैं तो अभी आपका ध्यान वहां पे ज्यादा है क्योंकि आपकी एक अच्छी रन चल रही है या फिर पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं बिकॉज मैं शूटिंग यही करता हूँ आई थिंक सो मैं पहला सांसद हूँ जिसने अपना रोजगार लाके आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से सारी शूटिंग मोर देन फाइव इयर्स आई शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे मुंबई हियर नाउ तो मैं यहाँ पर आई प्लान शूट तेलुगु फिल्म टू ऑल ओटीटी एंड दे कम हियर आई प्रोवाइड देम एवरीथिंग यहाँ पे मेरे पास थिएटर के एक्टर्स हैं आई हैव अ गुड बंच ऑफ एक्टर्स माई ट्रेन देम वेरी वेल सो प्रोड्यूसर का पैसा बचता है दे जस्ट हैव टू फ्लाई डाउन हियर फ्रॉम मुंबई रेस्ट आई गिव देम फ्री लोकेशन वन विंडो परमिशन एंड सब्सिडी तो यहाँ पर एक नया रोजगार शुरू हो गया अब गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग होती है ये क्रूज पर शूटिंग होती है यहाँ गाने की शूटिंग होती है यहाँ एक्शन होता है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स में एक्शन होता है यहाँ पे हीरो हीरोइन डांस करते हैं एंड दिस इज अमेजिंग नाउ नहीं जहाँ ये है महाराज योगी आदित्यनाथ का इलाका तो बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या क्या किया ये तो हमें अच्छे से पता है मैं जानना चाहता हूँ कि सांसद के तौर पर आपने क्या किया आपको फिर से क्यों इलेक्ट किया ये देखिए मैंने सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव अगर इस देश में करवाने वाला सांसद मिला थैंक्स टू मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी एक चिट्ठी महाराज जी ने जैसे मुझे आदेश निर्देश दिया वंदे भारत ट्रेन वी हैव अ ट्रैफिक प्रॉब्लम हियर इन गोरखपुर बिकॉज बिहार से लेके सब पूरे लोग अब यहीं रहना चाहते हैं यहीं बसना चाहते हैं तो यहाँ पे 2650 करोड़ की गडकरी हिसाब से रिंग रोड लेके आ गए जो इस लाइक इसके माला होगा पूरे गोरखपुर में काम शुरू हो गया तो ऐसी अनगिनत चीजें और मैं फर्स्ट टाइमर रहा 486 क्वेश्चन रेज करके देश के हित में गोरखपुर के हित में मैं नंबर वन पार्लियामेंट्रियन बना पूरे उत्तर प्रदेश का 10 प्राइवेट बिल ऑन माई नेम तो देयर आर 1000 रीजन एंड मैं यहाँ आके बस गया और यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग कितने दिन मुंबई में बिताते हैं मैं कुछ जो यहाँ के लोकल है जब हम आए गोरखपुर उनसे पूछ रहा था कि भाई सांसद यहाँ रहते हैं मुंबई में नहीं कहते रहते लेकिन मुंबई भी बहुत जाते हैं नहीं नहीं मैं यही रहता हूँ मेरा घर ये बैंक अपोजिट है और मैं यही मेरे परिवार के साथ रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अब ये मतलब मुंबई ही बना दी है अब इसको यहाँ पर पहले इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं पहले यहाँ जानवरों की लाशें बहती थी थैंक्स टू महाराज जी और जब से आए हैं तो लॉट ऑफ क्रिएटिव ब्रेन इज माइंड क्रिएटिव साइड जितने हैं क्रिएटिविटी की है भाई क्रिएटिविटी इन द सेंस मोस्ट इज द ट्रीज द क्लीन वाटर यहाँ जलकुंभी ना आए उसको क्लीन कराना वाटर स्पोर्ट्स से लेके यहाँ पर अनगिनत चीजें जो हैं
रोड्स को क्लीन करना, मेरी आवाज यहाँ पर आती है स्पीकर्स पे पूरे शहर में, जहाँ पर मैं ट्रैफिक रूल्स के लिए अपनी आवाज में बताता हूँ, सफाई साफ सुथरा। पहले यहाँ इंसेफ्लाइटिस से हर साल 1000 बच्चों की मौत हो जाती थी, जिसको जापानी बुखार कहते थे। उसको उसकी अवेयरनेस महाराज जी ने, उसका आंदोलन बहुत किया, और उस महाराज जी को उसका इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम मोदी जी, योगी जी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिकॉज मैं तो नेता नहीं हूँ, आई एम नॉट एन, और मैं नेता शायद कभी बन नहीं पाऊंगा, मैं एक सेवक हूँ, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। पर आपका इस वक्त करियर इतना अच्छा चल रहा है, आपके एक के बाद एक सीरियल फिल्में हिट हो रही है, तो वही कीजिए, आपका फिर पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? आप अपने आपको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं या उसमें अभी या तो कामयाबी ना मिल रही होती या सिनेमा मिलने में दिक्कत होती तब तो अलग है, आपका तो एक गोल्डन पीरियड ही चल रहा है। हाँ, मैं सबसे एक्सपेंसिव एक्टर हूँ इस वक्त। कितना? काफी पैसे। कितना पैसा? मैं बहुत, मेरा मन जो भी मांगता हूँ, लोग अभी ये हिट के बाद 33 साल बाद हिट मिला, तो अब मेरी प्राइस होती है मेरे अनुसार, ये ईश्वर की कृपा है। जो पहले वाले सवाल पे मैं आता हूँ, मैं बहुत मिट्टी के घर से आया था, एक प्रीस्ट का बेटा रहा, माय हिस्ट्री ऑफ, और मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की, तो मैं उस टाइम पे आई टू ऑलवेज थिंक कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा तो मैं कभी गरीबों की मदद करूंगा। इस भोजपुरी समाज ने मुझे सुपरस्टार बनाया, जिनकी मैं लैंग्वेज की इंडस्ट्री शुरू किया था, इंडस्ट्री थी नहीं, सो आई एम द सीनियर मोस्ट हियर, तो यहाँ पर काफी लाखों लोगों को रोजगार मिला था भोजपुरी इंडस्ट्री बना के, तो ये माय ब्रेन चाइल्ड रहा, ठीक है। अब मैम, इस इंग्लिश में कहा होता है ना, टाइम टू पे बैक, सब नियति करता है, मैं शिवा डिवोटी, गोरखनाथ बाबा शिव अवतारी है, तो लेके आए, ये मेरे पर बाबाओं की धरती है, वी आर शुक्ला फ्रॉम योर मामखोर, बगल ही का एक इलाका है, हमारे पर बाबा यहीं से गए थे, सो वो सारी चीजें अपनी डेस्टिनी इसको कह सकते हैं। इसका जवाब कुछ चीजें होती ना, नेचर का कुछ जवाब, यू डोंट हैव समथिंग इज वेरी मिस्टेक, तो वो मेरे पास अब इसका जवाब नहीं। इस बार आपकी लड़ाई है एक और एक्टर से, काजल निषाद। जब 2018 का बाय इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे बीजेपी हार चुकी थी, और इसलिए क्योंकि निषाद भी यहाँ पे है, मुसलमान भी यहाँ पे, और अच्छा जातीय समीकरण बन गया, तो अखिलेश को लग रहा है कि इस बार भी वो जातीय समीकरण में उलझा सकते हैं आपको। देखिए, डर किससे लगता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप काम नहीं करते हो, जब आपने काम किया, अकोड़ा पकोड़ा कुछ नहीं। क्यों, आप एब्स देख रहे हैं? हाँ, मतलब अभी नहीं, खाते अच्छा ले आओ, अब आ जाओ, जाना चाह रहा है, खा रहे हैं, कुछ खा भी लीजिए, अच्छा लाओ खा लीजिए, बेचारे सांसद। नो, बट नाउ यू हैव टू हैव वन बाइट, देखिए हमारे क्रूज का पनीर है, अच्छा। और आपको, और पूरा शहर और बिहार से भी लोग आते हैं चिली पनीर, हाँ, और आपको ये स्पाइसी है, सुबह की गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन अभी आप एक खा लें, ठीक है? इतना खतरनाक आप डरा रहे, देखिए यहाँ तो अब एग्जिट पोल और काउंटिंग आ रहा है, बीमार पड़ना भी बहुत खतरनाक होगा। मैं पहले वाले सवाल का आपका जवाब देता हूँ। पहली बार जो मैं 19 में लड़ा था, राम भुवाल निषाद जी यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, तब मुझे 7.5 लाख वोट मिला था। ये क्या है भाई? क्रिस्पी बेबी कॉर्न है सर। क्रिस्पी बेबी कॉर्न, हाँ चलिए, क्रिस्पी बेबी कॉर्न, तो भैया वो ये बात क्रिस्पी बेबी कॉर्न क्रूज बाटे, ये रामगढ़ झीली कोनो लंदन ना पेरिस ना बा, ये नेपेंसी रोड भी ना बा मुंबई का, ये बाटे रामगढ़ झील जहाँ शूटिंग होला। धन्यवाद मोदी योगी जी के सरकार के कि एक ही जगह के ठीक है कहल जाला विकास, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जहां पर लोग काम देख रहे हैं ऐसा और वोट करने जा रहे हैं, तो राम भुवाल निषाद जी वॉज बिगर लीडर इन निषाद समाज, उसमें बसपा सपा साथ लड़ी थी और मुझे 7.5 लाख वोट। आपने जिस प्रत्याशी का नाम लिया, ये लोग सिर्फ चंदा लेने आए हैं, ये लोग अपने समाज का चंदा लेते हैं फिर ये लोग चले जाते हैं, वो 2-3 बार पहले यहाँ हार चुकी है, अलग अलग चुनाव में आती हैं, लोग चले जाते हैं, तो यहाँ पर ना अखिलेश यादव कोरोना में आए थे, यहाँ पर ये आपका सांसद 3 लाख टन अनाज लेके पांचों विधानसभा में घूमता रहा, और लोग उसी को वोट देते हैं जो सुख दुख में खड़ा रहा, ये सांसद सुख दुख में सबके रहा, पीपल आर सीन मी फिजिकली विजिबल सबको रहा, वो इंसान को जाति समीकरण ध्वस्त है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है, ये प्रधान का नहीं, बिटिया और बेटे की ब्याह नहीं कराना है कि बिरादरी देखना, देश के हित में हम लोग देश के लिए वोट मांग रहे हैं, वो लोग परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये अंतर बहुत बड़ा है। और सबको पता है मोदी जी का चुनाव विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव। जब से आप इस क्रूज पे आए हैं या जितने भी लोग बैठे हैं क्रूज पे, वो सब पूछ रहे हैं कि भाई भैया आपसे कुछ गवाएंगे कि नहीं, वो कह रहे हैं ये सब तो ठीक है, बात पॉलिटिक्स ही बहुत बात हो गई, ऐसा ना हो कि भाई साहब से गवाया ना जाए। आप देखो मुझे सीरियस करोगे,
क्योंकि आप बहुत सीरियस एंकर हैं और आप ऐसा फंसाते हैं, तो पहले तो आपसे डर ही लगता है। नहीं नहीं, ऐसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप उलझाते बहुत बुरी तरह। यहाँ कोई गायक है क्या? सारे गायकों को तो तुम लोग ने वहीं छोड़ दिया। चलिए, आप जानते हैं ये कौन है? जान रहे ना? नहीं जान रहे। जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे। काम करते हैं भाई साहब? नहीं करते हैं ये। आप कहाँ से हो? कौन सी जगह से? बाड़ा। हाँ, तो हमारे बारे में बोला। अच्छा कंपनी है भाई साहब। अस्थि करके ना बोले ना, सच बताइए। आप इनके साथ, इनके दस्ते में तो नहीं थे? इनके साथ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये क्लाइंट है, ये परिवार परिवार है आपका ये। अरे नहीं, डरो मत बेटा। तभी कहा कि इनके कार्यकाल में बहुत सब विकास हुआ है। ये क्या विकास हुआ? हाँ, ये सब देख रहे हैं। किसका देना है? इनका देना है, बाबा जी का देना है। तो ये कौन है बोलिए? बाबा जी और इनके क्या अंतर है? तो आपका इनका पसंदीदा गाना कौन सा है? अरे वाह, बताइए, एक तो बताइए। चला ठीक बात। तो ये कहा कि जितना महिला लोग हैं, मैं अपनी मातृशक्ति बेटियों से सबसे कहना चाहूंगा कि जब 1 तारीख को 1 जून के चुनाव हुई, तो सब लोग यहाँ आओ, सब लोग आओ, एक गाना सब लोग गाते हुए जाना, जो मैं सारे गांव की महिलाओं को बोल सिखा दिया हूँ। आज 500 और मैं करीबन 500 सभा किया हूँ सब जगह। वो है मेरे साथ, सब लोग गाओगे। आगे आओ आप लोग, अब मैं पीछे रहता, मैं लंबा हूँ ना। आप लोग आगे और खाली कैमरे की तरफ देखना, ठीक है? चला हो सखी वोट डारे, बोलो चला हो सखी वोट डाले, कमल निशनिया चला हो सखी वोट डारे, कमल निशनिया चला हो सखी वोट डाले। जोड़ा जोर से, हमरे मोदी जी के कमल निशनिया हो, हमरे मोदी जी के कमल निशनिया हो, हमरे योगी जी के कमल निशनिया हो। और मैं चाहूंगा कैमरा दिखाए कि जहाज भी लैंड हो रहा है। कितना इसको कहते हैं सुंदर विकास, कि आप पानी के क्रूज पर हैं, आप गोवा में नहीं हैं। और वहां पे से ये देखिए फ्लाइट, कितने बार हम लोग जहाज की लैंडिंग देख के जाते हैं जहाज पकड़ने के लिए कि नाउ दिस इज द ये मुंबई की फ्लाइट आई है अभी। फोटो पहले गाना गई वो नहीं तब तो चला कोनो सोहर गादा, ये सोहर गादा हमारे साथ है। नहीं आपका, इनका अगर आपके पास चांस हो इनको रिक्वेस्ट करने का, आपकी क्या फरमाइश रहेगी? कौन गाना सुनने चाहू हमसे? सर भोजपुरी गाना सुनते नहीं, लेकिन कोई भी सुना देंगे, अच्छा लगता है। किसी का कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो तो बताइए। कौन गाना चाहिए हमसे? बोला कौन डायलॉग चाहिए? डायलॉग चाहिए। चला विरोधी पक्ष खातिर एगो डायलॉग बा, विरोधी पक्ष खातिर एगो डायलॉग बा कि तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, का भरपूर जवानी में तलवार चली, महफिल का मजा हम तरीका से ले, कहें यहाँ मर्जी महादेव के चली। बा ले लो, फिर कहते ना जली को आग कहते हैं, बुझी को भाग कहते हैं, जली को बुझी को कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को योगी चाचा श्री राम। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आप महिलाओं में इतनी ताकत आई है ना, ऐसे रहना। कल का वोट देके आई हो? किसको? कमल को। ऐसे बताना, ऐसे बताना अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जैसा कोई सांसद हो तो हर जगह जाके वोटरों का मनोरंजन भी करना पड़ता है। सी, जीवन में हम लोग कलाकार बिरादरी है ना, दुख हरने के लिए धरती पर आते हैं। अच्छा, सो वी आर लाइक यू नो, जब भी कलाकार ऐसे ही करते करते दे डाय एंड फकीर होते हैं मोस्टली, उनको कुछ चाहिए नहीं, फैमिली एंजॉयज, फैमिली अर्न्स, फैमिली पार्टी करती है। कलाकार तो ऐसे फक्कड़ होता है, घूमता रहता है, और यहाँ पर भी वही काम है। मैं यहाँ इंडस्ट्री क्रिएट करने आया हूँ, टू क्रिएट व्हाट आई, बिकॉज मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत बच्चे ट्रेन हो जाए। मेरी तरह लोग बम्बई में स्ट्रगल नहीं करें, पहले जब बम्बई हुआ करता था तो आई क्रॉस। ओटीटी से कैसे चेंज हुआ? अगर आप इसकी सोशियोलॉजी देखें, इट्स ऑल थैंक्स टू आमिर खान प्रोडक्शन एंड नेटफ्लिक्स, ये लोगों ने मुझे बुलाया। आदमी में वही था, 35 साल से समय आता, तो समय आया और अभी पूरा देश, पूरे वर्ल्ड में मैं ट्रेंड हो रहा हूँ।
194 कंट्री में मैं ट्रेंड हो रहा हूँ। सो ये गलत मैजिक है, बट ये एक गलत मैजिक है। हमारा क्रूज वापस जा रहा है, अगले 5 साल में अगर आप चुने गए तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? आई वांट टू क्रिएट अ रीजनल फिल्म सिटी। नहीं पर ये तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक बन रही है। दैट इज द बिगेस्ट फिल्म, रीजनल। अरे तो आपस में कंपटीशन चल रहा है, वो तो बसा नहीं आप यहाँ पे। अरे भाई हिंदी सिनेमा वहाँ तमिल तेलुगु पूरे भारत का सिनेमा बनेगा। मैं एक अपना भोजपुरी, मैं अपने एक मैथिली मगही, एक अलग भाषा जो रस है, मैं भोजपुरी में भाषण देता हूँ। मैं शायद वाह सर को दीजिए, मेहमान है। नहीं 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 सर, एक आगे ये वह रख दो। अरे वाह बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद। चीयर्स अलाउड है कि चीयर्स अलाउड नहीं है? चाहिए की चीयर्स। आप भी परेशान हो रहे हैं। सब कुछ अलाउड है कि हमारा वोट ना कट जाए? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए महाराज जी की यही सुंदरता है कि कुछ नहीं, और मोदी जी की सुंदरता है कि पाबंदी किसी चीज पे भी। आज यहाँ मुसलमान भी खुश है, आज मुसलमान भी मकान ले जा रहा है, वो हमसे अनाज के अपना हिसाब किताब अपने राशन कार्ड पे लिखवा के ले जा रहा है, इलाज के 14 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने दिए, हिंदू भी ले जा रहा है, यहाँ 2 लाख मुसलमान शांति, यहाँ दंगे नहीं होते, इतना सुंदर है। और सब देव उन लोग प्यार भी करते हैं, मुस्लिम महिलाएं वोट भी करने जा रही, यादव समाज इस वक्त वोट करने जा रहा है, तो ये बहुत सुंदर चीज है। मतलब सबका साथ सबका विकास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूज्य महाराज जी यहीं रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है ये, उनका घर है, और यहाँ पे मुस्लिम्स हिंदू ऑल द कम्युनिटीज आर वेरी वेरी हैप्पी। सर आपने एक चीज बताई कि फिल्म सिटी बनाएंगे रीजनल, और इसका मैनिफेस्टो क्या है आपका? इसका ये 50% ग्रोथ देख रहा है अभी, इसमें बहुत सारे देश की योजनाएं केंद्र की आएंगी, विच आई हैव टू टेक केयर वॉच इट, लाइक 42 एकड़ में नया एयरपोर्ट आएगा, 500 करोड़ रुपए का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, बहुत सारी अनगिनत योजनाएं जिसको मुझे, मैं 5 साल से खड़े रह के बनवाता था, कि दैट्स बिकॉज उस केंद्र का रहा, गोरखपुर का है, महाराज जी पूरे प्रदेश में घूमते हैं, तो यहाँ की जिम्मेदारी पूरी मेरी है टू टेक केयर वॉच एंड इन्फॉर्म हिम इन द नाइट कि ये काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत में आपने थोड़ा हमें एक डायलॉग भी दिया, गाना भी दिया, उसी थोड़े से सिनेमैटिक अंदाज में ही क्लोज भी किया जाए। तो सिनेमैटिक अंदाज में मैं चूंकि ये आए हैं और इतना सुंदर मौसम है, तो मैं यही कहूंगा कि ओ जैसन सोच ले रहनी, मैं आवाज मेरी चली गई है 500 सभा के बाद, फिर भी इनकी फरमाइश हम मना नहीं कर पाएंगे। ओ जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सांवर ना गोर बाड़े हो, काहे की बड़ा निक लागेला मोदी जी के बोलिया। जब कहा ना कि मोदी की गारंटी है गरीबों का कल्याण हो रहा है, होता रहेगा, और ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं मोदी जी, एंड उसका उनका चुनाव है, और 4 जून के बाद अगर दोबारा आपसे दिल्ली में मुलाकात होती है तो विल सेलिब्रेट, और उस वक्त मैं एक अच्छी तैयारी के साथ बढ़िया कोई गीत, चूंकि मैं आपने बोला है तो मैं डेफिनेटली जरूर गाऊंगा, बट अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। अच्छा लगा, हमारी शुभकामनाएं आपको, अच्छे से आप तरक्की कीजिए, क्योंकि भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो इसको आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए पूरे फोकस को। मैंने कहा ना इंग्लिश में कहा टाइम टू पे बैक, मुझे तो महादेव सब कुछ दे रहे हैं और दे चुके हैं, अब तो लौटाऊं, क्योंकि मैंने तो बहुत भीषण गर्मी गरीबी देखी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह लोग सफर करें, एंड माय यूथ मेरे बहुत चाहने वाले हैं, और महाराज जी प्यार करते हैं, मोदी जी मुझे प्यार करते हैं, देश प्यार करता है, और उसको लौटाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आप थैंक यू।